बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल केस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। राज्य सरकार सदैवी प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प, वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 47वां स्थापना दिवस, विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे छात्रों पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। भारतीय मजदूर संघ ने मनाया 61वां स्थापना दिवस, ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी रहे उपस्थित। और कांग्रेस ने किया जंतर मंतर पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन, गरीबों के हितों के लिए दी गिरफ्तारियां, कहा मदन लाल। छात्र संगठन एबीवीपी ने कॉलेज छात्रों के मुद्दों को लेकर मंडी वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन की भूख हड़ताल की। मंडी वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दिन की भूख हड़ताल का आयोजन किया। शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं की सांकेतिक हड़ताल का समापन हो गया और कॉलेज प्रशासन ने हड़ताल कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मेडिकल चेकअप भी करवाया। कॉलेज कैंपस के प्रेसिडेंट हिमांशु ने कहा कि ये भूख हड़ताल छात्र संघ चुनावों की बहाली, फीस वृद्धि और ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के विरोध में की गई। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी ना होने की सूरत में संघर्ष को तेज किया जाएगा। जैसे आप सबको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने जो है पिछले दिन 12 बजे से हम सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आज 12 बजे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय ने जो है हमारी भूख हड़ताल हटाई तुड़वाई। तो इस भूख हड़ताल तोड़ने से, और ये तो एक ही दिन की भूख हड़ताल थी, लेकिन अगर वीरभद्र सरकार ने जो छात्र हित के खिलाफ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो रोकने बंद ना किए गए, तो आने वाले समय में जो है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो है वो है आवरण अवसर तक बैठना हम जारी रखेंगे। अगर आने वाले समय में अगर वीरभद्र सरकार ने अपने फैसले जो है लेना बंद ना किए, और अगर छात्र संघ चुनाव इस साल बहाल ना हुए, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जो है आंदोलनों की जड़ी जो है लगाने वाली है। हमारी जो है मांगे मुख्य तौर पर जो हमारी मांग थी वो है छात्र संघ चुनाव जो है बहाल किए जाएं, और रुसा सिस्टम में जो बदलाव किए गए हैं और बदलाव जो हैं किए जाएं, जो और विभिन्न छात्रों के जो है रिजल्ट जो रुक चुके हैं, 6 सेमेस्टर के रिजल्ट जो है नहीं आ रहे हैं, और छात्रों की जो है DMCs जो हैं अभी कॉलेजेस पे नहीं पहुंची हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि BEd में जो है BEd की काउंसलिंग तक होने वाली है लेकिन बच्चों के जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो बच्चे जो हैं बच्चों का भविष्य जो है अदर में अटक चुका है। और जो है फीस बढ़ाई गई है, जो गरीब छात्रों को के ऊपर जो अत्याचार किया गया है उस फीस विधि को जो है कम किया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बरसात के मौसम में श्रावण मास महोत्सव जारी है और श्रद्धालु मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में श्रावण मास के मौके पर महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं। मंडी शहर में श्रावण मास महोत्सव जारी है, वहीं श्रावण मास के मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं और अलग अलग प्रकार के डिजाइनों में मेहंदी लगवा रही हैं। यूपी के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले कृष्णा ने बताया कि वे पिछले 6 सालों से मंडी में श्रावण मास के महीने में मेहंदी लगाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अरेबियन सिल्वर, गोल्डन, ब्राइडल जैसे विभिन्न डिजाइनों की मेहंदी लगाते हैं। इंदिरा मार्केट में काम करता हूँ। सावन के महीने में जो मेहंदी लगता है वो शुभ होता है, और हमारे पास हर तरह की मेहंदी लगाया जाता है, अरेबियन, सिल्वर, गोल्डन, ब्राइडल, 10 तरह की मेहंदी हमारे पास, और लगाने के लिए इंदिरा मार्केट में संपर्क करें मेरे साथ। इसलिए जो मेहंदी लगाया जाता है जो सावन में जो भर के लगाते हैं वो इंडियन स्टाइल होता है, आगे भर के पीछे अरेबियन। आजकल सावन में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, भर के और पीछे अरेबियन। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन एवं मनुष्य जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और हम सब का कर्तव्य है कि ना केवल वनों का संरक्षण किया जाए बल्कि अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं और इन्हें जीवित रखना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चिनार का पौधा रोपित करने के उपरांत कहा कि राज्य सरकार सदैव ही पारिस्थितिकीय एवं प्राकृतिक संतुलन के संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में वनों का बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री जानवरों, पक्षियों व वन्य प्राणियों जो पर्यावरण बनाए रखते हैं के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर 35 लाख औषधीय पौधों सहित 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के प्रयास आम लोगों को पौधारोपण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें वनीकरण के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट अर्जित करने वाला एशिया में पहला राज्य है और इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से इसके एवज में पहली किश्त के रूप में राज्य को 1.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसे राज्य की पंचायतों में पौधारोपण अभियान और संबंध गतिविधियों से जुड़े स्वयं सहायता समूह में वितरित किया गया है। दैनिक जागरण को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस सभा का आयोजन किया और इस मुहिम को, वृक्षारोपण के मुहिम को वो प्रदेश में चलाया। वृक्ष मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और वृक्षों की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना, वनस्पति की रक्षा करना न केवल सरकार बल्कि हर नागरिक का ये धर्म है। हमने हिमाचल में सख्त कदम उठाए और वृक्षों के कटान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि वृक्ष जो है हमारा जीवन है। वृक्ष है तो इंसान रहेगा। जो ऑक्सीजन वृक्षों से प्राप्त होता है वो स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को भारतीय मजदूर संघ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंडी के विश्वकर्मा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी ने की। मंडी के विश्वकर्मा सभागार में भारतीय मजदूर संघ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला भर के BMS सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जगदीश जोशी ने कहा कि देश भर में BMS का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय मजदूर संघ का 61वां स्थापना दिवस अभी आज आयोजन हो रहा है उसका, यानी 61 साल में हम पहुँच रहे हैं। 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी भोपाल में। पिछले एक साल से हमने अपने 60 वर्ष पूरे होने का एक आयोजन पूरे देश भर में प्रारंभ किया था, तो इस 60 वर्ष के समापन कार्यक्रम का आज पूरे देश भर में एक साथ पूरे देश भर में लगभग 150-200 स्थानों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो लगभग पूरे देश भर में 400-500 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम? उद्देश्य कोई नहीं, ये तो हमारा स्थापना दिवस है कि हर साल ही हम मनाते हैं। इस साल इसका विशेष आयोजन इसलिए हो रहा है कि ये 60वें वर्ष के कम्प्लीशन का कार्यक्रम है, यानी 60 साल पूरे होने के बाद 61 साल में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए विशेष इस साल जो है हमने इस पर विशेष फोकस किया है।
उन्होंने कहा कि 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी और भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का संगठन है और मजदूरों के द्वारा ही चलाया जाता है। इस बार का स्थापना दिवस बीएमएस के 60 वर्ष पूरा होने पर विशेष रूप से 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना जिस समय हुई थी, भारतीय मजदूर संघ शून्य से प्रारंभ हुआ था। बाकी जितने भी श्रम संगठन आज हमारे देश भर में काम कर रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। दूसरा, बाकी श्रम संगठन जो है वो किसी न किसी एक ट्रेड यूनियन से टूट के बने हैं। केवल भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा श्रम संगठन है जो है विशुद्ध रूप से श्रमिकों के द्वारा चलाया जाता है, श्रमिकों के लिए श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी सर? इसकी स्थापना के पीछे यही उद्देश्य था कि बाकी श्रम संघ जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और वो पॉलिटिकल पार्टियों की यानी अपने वोट बैंक के महत्वाकांक्षा के लिए वो मजदूर का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे श्रद्धेय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जो हमारे संस्थापक हैं, उन्होंने सोचा कि ये मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, क्योंकि मजदूरों को शोषण से मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि जेन्युइन ट्रेड यूनियन, केवल जो मजदूरों के लिए ही काम करे, ऐसे ट्रेड यूनियन की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए मजदूर संघ की स्थापना हुई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे छात्रों पर खूब बरसे और छात्रों को अनुशासन में रहने की हिदायत के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के आंदोलन से सख्ती से निपटने के आदेश दिए ताकि विश्वविद्यालय का माहौल शैक्षणिक बन सके। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के प्रदर्शनों और हड़ताल पर कड़ी टिप्पणी की है। यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में सीएम ने दो टुक कहा कि अभी भी विश्वविद्यालय में कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो शिक्षा के लिए उचित नहीं है। विश्वविद्यालय को कहता हूँ कि इस तरह के छात्रों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निराश होकर कहा कि एचपीयू में इस तरह के तंबू नहीं चलेंगे, ये प्रोफेशनल प्रदर्शन शिक्षा के मंदिर में ना करें। विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। अगर छात्र संगठन अपनी विचारधारा को दिखाकर प्रचार करना चाहते हैं तो मैदान में आए। विश्वविद्यालय प्रशासन को वे हिदायत देते हैं कि अभी तक नरमी रही है, इसे सख्ती से निपटा जाए। सरकार का उन्हें पूरा समर्थन है। शिक्षा को विचारधारा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रूसा ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। शिक्षकों को शुरू में रूसा से खतरा लगा, इसलिए विरोध किया गया। कहा गया है कि रूसा फेल हो गया, लेकिन रूसा नहीं, शिक्षक फेल हुए हैं। रूसा को पूर्ण सफल करने के लिए सहयोग दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 115 कॉलेज हैं, महिलाओं की शिक्षा के लिए नए संस्थानों को खोला गया है। शिक्षा में महिला क्रांति आई है, उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा के अवसर मुहैया करवाए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल विश्वविद्यालय के परिसर को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया, जिसके लिए अभी 150 बीघा जमीन दी गई है। कुलपति इस पर गौर कर जमीन का अधिग्रहण करेंगे।
छात्र राजनीति होनी चाहिए जी, मगर वो एक जिम्मेवारी के दायरे के अंदर होनी चाहिए। मैं खुद भी छात्र नेता था अपने वक्त में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र नेता का काम ये हो कि वो अनुशासन को तोड़े और संस्था के चलने में रुकावटें पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक है, शिक्षा के प्रति कोई अनुराग है, और जो शिक्षा के अंदर जो है वास्तव में शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा की बदनामी नहीं करना चाहते हैं। सर, शिक्षकों की कमी को लेकर भी अब कमी कल दूर हो जाएगी अगले दो महीने तीन चार महीने के अंदर हर एक पोस्ट पर दी जाएगी। उधर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षकों के ऊपर छात्रों का भविष्य टिका होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, जिसको शिक्षकों को जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाना चाहिए, तभी स्वस्थ एवं सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सकती है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाने की क्षमता रखता है। सभ्य समाज का सभ्य नागरिक वो है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक करने की योग्यता रखता है। सही अर्थों में आदरणीय शालीन सभ्यता और पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है जो दूसरे के भार को अपने हाथ से उठाकर कंधे के ऊपर रखने की क्षमता रखता है। यदि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में ये गुण नहीं है, भाई और बहनों, वो उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री सहित उन्होंने वीवी परिसर में पौधा भी लगाया। इसके अलावा वीवी में सोलर सिस्टम का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल पेंशनर्स कल्याण संघ की हिमाचल प्रदेश की बल इकाई की मासिक मीटिंग 29 जुलाई को खंड प्रधान मंगत राम चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत डडौर के परिसर में निर्धारित की गई है और मीटिंग में पेंशनर्स के विभिन्न मांगों और समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी बल इकाई के मुख्य संरक्षक लाल मन ने दी। मेरा नाम हमारी चौधरी मंगत राम की अध्यक्षता में 29/7/2016 को बैठक होगी, जिसमें पेंशनरों की मांगों और समस्याओं के बारे में चिंतन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और उनका समाधान की हम बात करेंगे और हमको उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। चिकित्सा भत्ता इत्यादि के बारे में भी हम विचार करेंगे, कम है और जो हमारे को 65 और 75 का लाभ मिलना है पेंशन भत्ता, वो भी हमारी मुख्य मांग है, उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। मेरा नाम के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
व आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।